बुधवार का दिन देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार ने खरीफ फसलों की खेती में जुटे किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट में धान समेत खरीफ की कई फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले को मंजूरी मिल गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, इसने जो निकाला है धान के लिए, पैडी के लिए, वह उसकी इनपुट कॉस्ट निकाली है 1166 रुपीज, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें 50% की बढ़ोतरी की है। अब हमारे देश के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो धान की मिलेगी वह 1750 रुपीज पर क्विंटल मिलेगी। पिछले साल यह 1550 रुपीज पर क्विंटल थी। वहीं पर ज्वार के बारे में CACP ने कहा है कि इस पर जो इनपुट कास्ट आती है, जो लागत मूल्य लगता है, वह 1600 विद फैमिली लेगा, वह जो आता है 1690 रुपीज पर क्विंटल, 19 रुपीज पर क्विंटल। अब उसको बढ़ाकर उसे कर दिया गया है 2430 रुपीज पर क्विंटल, 30। उसी प्रकार से बाजरा, CACP ने उसकी कीमत निकाली है 990 रुपीज पर क्विंटल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि CACP ने कहा है कि बाजरे की लागत मूल्य यानी इनपुट कास्ट होती है वह रुपीज 990, लेकिन उसमें 96.97 यानी अप्रॉक्सिमेटली 97% का हम लोगों ने जंप दिया है। अब मिलेगा बाजरे की कीमत 1950 रुपीज पर क्विंटल। मक्का, इसकी इनपुट कास्ट जो CACP ने निकाली है वो 1139, अब उसमें अब वो कीमत जो मिलेगी वो 1700 पर क्विंटल। रागी की इनपुट कास्ट 1931 है, लेकिन अब MSP जो मिलेगी उसमें 50% से अधिक की हाइक की है, वह 2897 रुपीज पर क्विंटल। अब किसानों से उनका धान सरकार 1750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी, यानी धान के समर्थन मूल्य में सीधे 200 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे पहले धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सबसे ज्यादा इजाफा मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया गया है। सरकार ने मूंग दाल के MSP में 1400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। अब 6975 रुपए प्रति क्विंटल में सरकार मूंग दाल खरीदेगी। उड़द की दाल के MSP में भी 200 रुपए बढ़ाया गया है, जिस पर अब 5600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सरकार ने जिन खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है उनमें ये प्रमुख फसलें हैं। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए किया गया है, जो पहले 1550 रुपए था, यानी 200 रुपए की बढ़ोतरी। ए ग्रेड धान पर 1770 रुपए प्रति क्विंटल MSP मिलेगा, पहले 1590 रुपए प्रति क्विंटल MSP मिलता था, यानी 180 रुपए की बढ़ोतरी। तुअर के लिए नया MSP 5675 रुपए तय हुआ है, पहले ये MSP 5450 रुपए था, यानी अब 225 रुपए की बढ़ोतरी। उड़द में MSP 5600 रुपए कर दिया गया, पहले ये MSP 5400 रुपए था, यानी अब 200 रुपए की बढ़ोतरी। मूंग दाल का MSP 6975 रुपए किया गया है, पहले ये MSP 5575 रुपए था, यानी 1400 रुपए MSP बढ़ा दिया गया। सोयाबीन के लिए MSP 3399 रुपए तय हुआ है, पहले ये MSP 3050 रुपए होता था, यानी 349 रुपए की बढ़ोतरी। मूंगफली का MSP 4890 रुपए तय हुआ है, पहले MSP 4450 रुपए था। तिल का MSP 6249 रुपए तय हुआ है, पहले MSP 5300 रुपए था, यानी 949 रुपए की बढ़ोतरी। सूरजमुखी का MSP 5388 रुपए तय हुआ है, जबकि पहले MSP 4100 रुपए था, यानी 1288 रुपए की बढ़ोतरी।
रागी का एमएसपी 2897 रुपए तय हुआ है। पहले एमएसपी 1900 रुपए होता था, यानी 997 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। बाजरा का एमएसपी अब 1950 रुपए हुआ है। पहले एमएसपी 1425 रुपए था, यानी इसमें 525 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ज्वार का एमएसपी 2430 रुपए तय हुआ है। पहले एमएसपी 1725 रुपए था, यानी 705 रुपए की बढ़ोतरी। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि किसान भाई बहनों को सरकार ने लागत के 1.5 गुना एमएसपी देने का जो वायदा किया था, आज उसे पूरा किया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की गई, सभी किसान भाई बहनों को बधाई।